हेलो फ्रेंड्स, इट्स सच अ जॉय टू सी यू इवन इन दिस न्यू ईयर। हेलो दोस्तों, नया साल में आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है। टुडे वी आर गोइंग टू बी मेडिटेटिंग ऑन द प्रॉमिस वर्स व्हिच इज इन प्रोवर्ब्स 10:24। आज हम उस प्रतिज्ञा वचन पर मनन करने वाले हैं जो नीति वचन 10:24 में पाया जाता है। इट सेज, यहाँ ऐसा लिखा है, द डिजायर ऑफ द राइटियस शैल बी ग्रांटेड। धर्मियों की लालसा पूरी होती है। यस माय फ्रेंड्स, व्हाटएवर यू डिजायर गॉड विल ग्रांट इट टुडे। जी मेरे मित्रों, आपकी सारी मनोरथों को परमेश्वर आज पूरा करेंगे। So, who are the people that God calls as righteous? ऐसा कौन लोग हैं जिनको परमेश्वर धर्मी कह के पुकारते हैं? The people who read the Bible every day and talk to God. जो लोग हर रोज बाइबल पर मनन करते हैं और परमेश्वर से बातें करते हैं। When we read the Bible, God reveals so much to us. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर कई बातों का प्रकाशन हमें देते हैं। On what we should do. हमें क्या करना है? How we should live. हमें कैसे जीना है? How we should face the situation we are dealing with that day. उस दिन जो सारी परिस्थितियां हमारे सामने आएंगे, उसका सामना हमें कैसे करना है? He teaches us and he reveals things to us when we read the Bible. वो हमें सिखाते हैं और कई बातों का प्रकाशन देते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं। And he talks to us through the Bible. और बाइबल के माध्यम से वो हमसे बातें करते हैं। And not only that, when we pray. सिर्फ यही नहीं, जब हम प्रार्थना करते हैं। It's not just a one-way conversation. ये सिर्फ एक तरफा बात नहीं होती है। It's like talking to a friend. ये ऐसा है जैसे हम कोई मित्र से बात करते हैं। He reveals things to us. वो हमें कई बातों का प्रकाशन करते हैं। Yes, my friends, we see in Romans 8:27. जी मेरे मित्रों, हम रोमियो 8:27 में ऐसा देखते हैं। We see that the Spirit intercedes for God's people. हम देखते हैं आत्मा परमेश्वर के लोगों के लिए विनती करते हैं। In accordance with the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते हैं। Yes, my friends, when we pray. जी मेरे मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं। The Holy Spirit helps us to pray according to the will of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें प्रार्थना करने में मदद करते हैं। So when we live our life according to the word of God, जब हम परमेश्वर की वचन के अनुसार अपना जीवन को जीते हैं, God puts in desires in our heart which is for our own good. परमेश्वर हमारे मन में ऐसी इच्छा छोड़ जाते हैं जो हमारे भलाई के लिए होती है। And which will be for the glory of God. और जो परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। So we will start asking God for the things that are of God. तब हम परमेश्वर से वही मांग करते हैं जो परमेश्वर को भाता है। And the desires he put in our hearts. और वो इच्छाएं जो हमारे मन में वो रखते हैं। So according to Psalm 62:5, भजन संहिता 62:5 के अनुसार, All we have to do is rest in him. हमें परमेश्वर के सामने चुपचाप रहना है। He is our hope. वो हमारे आशा हैं। Our hope comes from him. हमारा आशा उनके ओर से आती है। So all we need to do is trust in him. हमें सिर्फ उन पे भरोसा करना है। So from today, तो आज से, start praying according to the will of God. परमेश्वर की योजना के अनुसार आप प्रार्थना करना शुरू करें। And learn what the will of God is through reading the Bible. बाइबल पढ़ने के माध्यम से परमेश्वर की मर्जी को जान लें। And he will be so close to you. और वो आपके बहुत करीब रहेंगे। According to Isaiah 65:24, यशाया 65:24 के अनुसार, Even before you call, he will answer. आप पुकारने से पहले ही वो आपको उत्तर देंगे। While you are still speaking, he will hear. आपके मांगते ही वो आपको सुन लेंगे। Today, as you do this, आज आप जैसे ये काम करेंगे, God will grant you all that you desire. परमेश्वर आपकी सारी मनोरथों को पूरी करेंगे। It'll be for your own good. ये आपके भलाई के लिए होगी। And for the glory of God. और परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I pray for everyone watching this video. जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। Today, their desires, their heart's longings might be bringing them so much of confusion. शायद उनके सारे मनोरथ उनके जीवन में बहुत दुविधा को ला रही है। They might feel so lost and confused. शायद वो अपने आप को बहुत खोए हुए महसूस कर रहे हैं। But Lord, let them know your will. परमेश्वर, वो आपकी योजना को जान लें। Help them to know what you desire. उनकी मदद करें कि वो आपकी इच्छाओं को समझ सकें। And as they pray and talk to you, जब वो आपसे प्रार्थना करके आपसे बात करते हैं, Help them to have your desire as their desire. उनकी मदद करें ताकि आपकी मर्जी उनकी मर्जी बन जाए। Teach them what they need to do.
उन्हें सिखाए उन्हें क्या करना है। Show them the plans that you have for them. उनके लिए जो आपकी योजना है वो आप दिखाएं उनको। Help them to pray according to your will. मदद करें कि वो आपकी योजना के अनुसार प्रार्थना कर सकें। And as they pray, जब वो प्रार्थना करते हैं, let everything happen for their good. सारी बात उनके भलाई के लिए उत्पन्न हो जाएं। And help everything happen according to your plans. और आपकी योजना के अनुसार आप सारी बातों को संपन्न करें। And let it be for your glory. वो आपकी महिमा के लिए हो जाएं। Let them shine in this world. इस जगत में उनके जीवन चमकें। And let them share this love to all the people that they know. ये प्रेम वो अपने सारे अपनों के साथ बांट लें। As they live a successful life. जब वो एक सफल जीवन जीते हैं। As they live a life full of hope. जब ये उम्मीद से भरी हुई एक जिंदगी को जीते हैं। Let people around them be surprised. उनके चारों तरफ जो लोग हैं वो अचंभित हो जाएं। Lord, lift them up to great heights. उनको एक महान ऊंचाई तक लेके चले। And bless them today. आज उनको आशीष दें। Fulfill all of their heart's desires. उनकी सारे मनोकामनाओं को पूरी करें। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। Amen. Amen. May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दें।